माता जी ठीक है, बहुत भारी है ना, जल्दी चलते हैं, लेट हो जाएंगे। चलो चलो मम्मी जल्दी चलो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी हमारी। जाएंगे तो तब ना जब ट्रेन आ रही होगी, ट्रेन कैंसिल हो गई है। क्या? एक काम करते हैं, अगले हफ्ते की टिकट बुक कराते हैं और टाइम से पहुंच जाएंगे। अरे यार ऐसे कैसे ट्रेन कैंसिल हो गई, मैं नहीं जाऊंगी अगले हफ्ते, मुझे तो आज ही जाना है। यार मम्मी आप कैसे से हो, आपको गांव जाने का मन नहीं करता क्या? आप दोनों तो घूम के आ गए गांव और मैं रह गई, मैं इतना रेडी हुई थी गांव जाने के लिए, मेरा तो सब वेस्ट हो गया, मेरे को तो आज ही गांव जाना है। अरे देवी जाएगी कैसे, ये तो सोच, ऊंट पे बैठ के जाएगी। अरे मम्मी ऊंट पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे जीप चला के। भूल गए क्या, अब तो बड़ी को जीप भी चलानी आती है, गाड़ी भी सब चला लेती है ये। अरे हाँ छोटी, मैं भूल कैसे गई, मेरे को तो गाड़ी चलानी आती है, अब हम गाड़ी से जाएंगे। ऐसा कर लेते हैं फिर, चलो 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 चलो। अरे अब क्या हुआ? मम्मा आगे गाड़ी नहीं जा सकती, रास्ता खत्म हो गया है। मैं तो पहले ही कह रही थी कि अगले हफ्ते की ट्रेन से चल लो, पर नहीं मेरी सुनता कौन है, पिछली बार तो मौत पड़ रही थी गांव आने में, अब तो गांव का ऐसा चस्का चढ़ा है कि नहीं गांव जाना है, गांव जाना है, गांव जाना है, ले लो गांव, अब मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे यार मम्मी इतनी गर्मी में क्यों गर्म ठंडी हो रही हो, शांत रहो जरा। देखती हूँ कोई हो जो हमें रास्ता बता दे। वो देखो वो छिछंदर बैठे ना, उनसे पूछते हैं। ए भाई ये चिट्टी सीधी जा रही है, उल्टी ये उल्टी जा रही है। अरे ओ कबूतरो जरा इधर आओ। भाई तुझे बोल रही है, तुझे बोल रही है। अबे मुझे ना बोल रही, तुझे बोल रही। तेरे भाई इतना हैंडसम है, मुझे क्यों कबूतर बोलेगा, तुम्हें बोल रही है। अबे अरे तुम दोनों को ही कह रही हो भाई साहब, दोनों को ही, माशाल्लाह इधर आ जाओ। चलियो भाई चलियो। हाँ भाई जिज्जी नमस्कार, के मदद करूँ थारी? अरे हमें प्रतापगढ़ जाना है भाई साहब, प्रतापगढ़ का रास्ता किधर होगा? अरे प्रतापगढ़ तो अब आ ही चुके हो, लेकिन यहाँ से आगे जाने के लिए आपको बग्गी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा पर फिर ये बग्गी कहाँ से मिलेगी? अरे बग्गी ये अपने सीधे। अरे बग्गी यही अपना सीधे सीधे जाते ना मिल जाएगी। अच्छा समझ गए। देखा बच्चों गांव के लोग कितने अच्छे होते हैं, हमेशा मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। और एक ही हमारे शहर के लोग, हमारे पड़ोसी ही हमसे जलते हैं। खैर छोड़ो इन सबको, अब चलते हैं जल्दी से। चलो हमको कबूतर बोल रही थी, आज इस गांव की सड़क नापते रहेगा ये लोग, पर इनका मंजिल नहीं मिलेगा। हाँ भाई बहुत बनती है शहर की छोरी अपने आपको, शहर के पढ़े लिखे गवार। चलो चलते हैं। आ चल भाई। यार मम्मी आपको लग नहीं रहा है, हम तब से दो बार चक्कर लगा चुके गांव के, पर ताऊ जी का घर नहीं मिल रहा, मैं तो बैठे बैठे थक गई। बेटा लग तो मुझे भी ऐसा रहा है, और एक तो मुझे तुम्हारे ताऊ जी का घर भी याद नहीं आ रहा। यार मम्मी ताऊ जी का घर कब आएगा, ये इसमें चलते चलते ना मेरी स्किन पूरी जल गई है। और ले लो मजे, तुम्हें ही आना था गाँव, इसी को कहते हैं असली गाँव। क्या बोलूं अब। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते बेटा। प्रणाम जेठ जी। जीती रहो बहू, इतनी देर कैसे लगा दी तुम लोगों ने, सुबह से निकले और शाम के 6 बजे आ रहे हो। अरे ताऊ जी आ तो हम कब के जाते, पर रास्ते में ना हमें 2 नमूने मिल गए, ऐसा रास्ता बताया ऐसा रास्ता बताया कि क्या बताऊं कैसा रास्ता बताया, पूरा गांव घूम लिया पर आपका घर नहीं मिला। हाँ ताऊ जी मैं तो इतना चली हूँ, आज मेरे पैरों में भी दर्द हो गया। अगर
वो दो नमूने तुम्हें दिखे ना तो मुझे बताना, उन्हें तो मैं बताऊंगा। बहुत सुंदर है। अरे चिंटू मिंटू आ गए। अरे तुम्हारी चाची आई है, पैर छुओ और ये मुंह क्यों छुपा रहे हो? चलो पैर छुओ। नमस्ते 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 चाची नमस्ते। यार ये मुंह क्यों छुपा रहे हैं? हाँ यार पता नहीं क्यों छुपा रहे हैं मुंह। अरे हाथ नीचे करो और पैर छुओ, चलो शर्मा रहे हो। अरे भाई मुंह क्यों छुपा रहे हो, हाथ नीचे करो। ताऊ जी ये दोनों तो वही है जिसने हमें रास्ता बताया था। अच्छा तुम्हारे तो हाँ तो भाई छोरी हो, पापा ने हमें जिम्मेदारी दी है कि तुम लोगों को थोड़ा गांव दिखा दें। चल चोती चल बेरी, मैं आज आपको गांव दिखाऊंगा। हाँ ठीक है, पहले अब ये बताओ मेरी मम्मी और ताऊ जी है किधर? मिली नहीं जब से आए। अरे वो पीछे ट्यूबवेल में पानी भर रहे, तुम लोग के खाते रहे। ट्यूबवेल ट्यूबवेल में? यार मैं इसी के लिए तो यहाँ पर आई थी। हाँ तुझे पता है बड़ी, जब तुम पिछली बार नहीं आई थी ना तेरे एग्जाम थे, मैं मम्मी पापा हम लोग आए थे, इतने मजे से नहाया था ट्यूबवेल में, इतने मजे थे, तुम्हें सच्ची ना होगी। चल चल छोटी ज्यादा ना इतना मत, इस बार मैं भी गांव में आई हूँ और इस बार मैं भी ट्यूबवेल में नहाऊंगी और तू देखियो ठंडे ठंडे पानी में नहाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है नहा लियो। और वैसे भी सच बताऊँ ना, इस गांव में मुझे और कुछ पसंद नहीं है, ट्यूबवेल में नहाना पसंद है, ऐसा लगता है बड़े से बाथटब में नहा रही हूँ। अरे भाई इस शेर के चोरियों का कितना गमंद है, आज तो इनको गांव में दिखाएंगे असली गांव क्या होता है। अरे भाई तो चिंता ना करे से, तेरा भाई के पास इतना तगड़ा जुगाड़ है ना कि इन लोगों को पता चल जाएगा कि असली होशियार है कौन, शहर की छोरियां या गांव के छोरे। अभी देख हाँ तो भाई छोरियों, ये तो जानवर तुम देख रहे हो, इनको हम पाल तो सकते हैं, इनको हम पानी भी दे देते हैं, खाना पीना सब करवा देते हैं, लेकिन हम इनको ज्ञान नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम खुद इतने पढ़े लिखे ना से ना। तुम लोग तो शहर की छोरियां हो, तुम लोग के पास तो ज्ञान ज्यादा होगा, तो तुम लोग इनको क्यों नहीं पढ़ा देते? हाँ यार छोटी, हम ना इन प्यारे से मासूम से जानवरों को पढ़ा देते हैं और उनको ना शिक्षित कर देते हैं, फिर हमारा नाम भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा। हाँ बहन बड़ी तो हमेशा सही कहती है, मैं भी सोचू इन्हें पढ़ा देते हैं लिखा देते हैं ताकि एक कलेक्टर बन जाए किसी एक दिन और हमारा नाम भी रोशन हो। ठीक है चल इन्हें मिल के पढ़ाते हैं। चल बड़ी चल छोटी। ओए घोड़े तेरा नाम क्या है? चल ये सब छोड़, पहले तो मुझे ये बता तू टू का टेबल आता है? हाँ इतना बड़ा हो गया तो टू का टेबल नहीं आता, मुंह क्या फेर रहा है? पहले टू का टेबल सुना। एक काम कर तू यहाँ पे टू का टेबल याद कर, मैं वहाँ पे ऊँट को इंग्लिश सिखा के आती हूँ, ठीक है? और जल्दी से याद करियो, मैं आके सुनूंगी। पर आ रही है। ये ले तू भी काले 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 काले, ये तू क्यों काले है? तू का ये ले, अच्छे से काले अच्छे से काले, ठीक है काले काले भूखे बेचारे, कोई बात नहीं काले काले काले, आंसर अच्छे से बताएगा खाएगा, तू आंसर बता अप्रैल के बाद क्या आता है? मैं, तेरा नाम क्या है? मैं, क्या बात उधार हो रही तू तो, ले 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 काले तूस ले क्या टीचर बनी हुई है, ले ले काले काले। ठीक है अगला सवाल और आखिरी सवाल, सही बताया तो सारा खाना तेरा, ठीक है? कौन ज्यादा सुंदर है मैं ये तू? मैं घमंडी गई, ठीक है ले काले इसको भी टूस ले, पकड़ पकड़ पकड़। चल टू का टेबल, टू वन द टू, टू इज द नाइन, नाइन टू द ट्वेल्व, टू फोर द एट, ठीक है ए बी सी डी, ए बी सी डी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तुम भी कहो याद करके आई हो, याद नहीं किया ना बहुत मारेगी, बहुत ठीक है बोला
और गुड गर्ल गुड गर्ल है ना, मैंने तुझे कितना अच्छा पढ़ा है, घमंडी हो रहे तू, चल बाय। अरे भाई ये देख सह की जोड़िया जानवर को पढ़ाने चली सह। अरे भाई तू देख इस शहर के चोरियों का गमन कैसे निकाल दिया। हाँ भाई। ओए उठ, तेरे को इंग्लिश आती है? चल मैं तुझे इंग्लिश सिखाती हूँ, ठीक है? बोल माय नेम इज कैमल। अरे बोल भाई। हाय हाय बोल ही नहीं रहा। चल एक काम कर, तू इंग्लिश याद कर, मैं किसी और को पढ़ा के आती हूँ, बहुत काम है आज मेरे पास, समझा? हे भगवान, देख रहे हो जेठ जी, ये क्या हो गया मेरी लड़कियों को, बिल्कुल अपने बाप पे जा रही हैं, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी इनको यहाँ लाके। अरे भाई बच्चों का जानवरों को प्यार करने का तरीका बहुत अलग होता है, तुम नहीं समझोगी, और तुम्हें ना टाइम दिल लेने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम लोग लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। ठीक है जेठ जी। यार बड़ी आपने मम्मी को देखा, मिल ही नहीं रही है। अरे घंटा देखा, जब से इस गांव में आई है जादू ही बने घूम रही है, मिल ही नहीं रही है, अब पता नहीं कौन से खेत में घूमे जा रही है। क्या पता वो ट्यूबवेल में हो, क्योंकि उन लड़कों ने कहा था ना वो ट्यूबवेल में हमारे लिए पानी भर रही है, हाँ चल के देखते हैं। हाँ यार छोटी तू सही कह रही है, चल चल बड़ी, चल छोटी। ये तो बहुत ठंडा है बड़ी। हाँ छोटी। यार मैं तो नहीं जा पाऊंगी इस पानी में, ये तो कुछ ज्यादा ही ठंडा है। हाँ छोटी देखने में तो बहुत ठंडा लग रहा है। बड़ी मैं नहीं जा सकती यार, तू चली जा, मुझे बहुत शौक है ना ट्यूबवेल का, ले अपनी अरमान पूरे कर ले, पर मैं नहीं जा सकती। अबे पागल होगी क्या, इतना ठंडा पानी है, मैं भी नहीं जा रही इसके अंदर। छोटी जब तू पिछली बार आई थी तब तू कैसे गई थी इस ट्यूबवेल में? भाई पिछली बार आग वाली गर्मी पड़ रही थी, तब क्या घंटा पता चल रहा था कि क्या गर्मी है क्या सर्दी है, मैं तो कूद पड़ी थी, अब नहीं जा सकती। और ये वो ठंडा है यार, मैं भी नहीं जा सकती इतने ठंडे पानी में तो। हाँ भाई ऐसे कैसे नहीं जाओगे। ये देखो दोनों बेशरम में यहाँ नहा रही हैं। मैंने ना ट्यूबवेल में पानी हम तीनों के लिए भरा था और तुम इतनी बेशरम की अकेले अकेले आ गई। खैर मैं भी महा बेशरम हूँ, आ रही हूँ मैं भी पानी में। अरे भाई बच्चे ने अच्छा से नहा लिया ना, अब एक काम करो मैं ला रहा हूँ तुम्हारे लिए गांव के कपड़े, इसको पहन लो और उसके बाद हम जाएंगे उपले बनाने। ये क्या होता है? अरे तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये लो।
चौखी लग रही, देख रही है? मैं भी। ये मम्मी क्या कर रही है? ये क्या कर रहे हो मम्मी गोबर के साथ? बेटा हम उपले बना रहे हैं, आओ तुम्हें उपले बनाना सिखाती हूँ। मैं अपने बचपन में इतने उपले बनाती थी, इतने उपले बनाती थी, और फिर हम उसका खाना खाते थे। छी यार, हमारी मम्मी ने बचपन से कितने कष्ट झेले हैं। गोबर का खाना भला कोई खाता है? मैं मर जाऊंगी पर ये गोबर कभी भी नहीं खाऊंगी। हाँ यार अच्छी बात है, हम ना शहर में पैदा हुए हैं, वरना हमें भी ये गोबर वाला खाना खाना पड़ता। तुम दोनों के ना ऐसा करारा थप्पड़ मारूंगी खींच के। मेरा मतलब था कि पहले हम इसके उपले बनाते हैं, फिर इसको सुखाते हैं, और फिर इसको चूल्हे में जला कर फिर खाना बनाते हैं। गवारी हो गई हो दोनों की दोनों शहर में रह के। तो भाई ऐसे बोलो ना, मुझे क्या सपने आ रहे हैं क्या? वैसे बोल रहे हो? आवा मेरी राजकुमारी, तुम्हें उपले बनाना सिखाता हूँ। नहीं दाऊ जी, मैं इस गोबर को नहीं छू सकती, मेरे से ना हो पाएगा। तुम आ रही हो या फिर आज भूखा ही सोने का प्लान है? अरे अरे अरे, तो बेटा मैं तुम्हें बनाना सिखाता हूँ फर्स्ट क्लास उपला। जब तुम शहर जाओगी और अपने घर पे इसे बनाओगी और दीवार पे सुखाओगी, उसके बाद जब तुम खाना खाओगी ना, क्या सुगंध आएगी जी दाऊ जी। और हाँ, गैस की भी बचत होगी जी दाऊ जी। दाऊ जी बना लिया, पर इन्हें चिपकाएगा? हाँ दीवार पे चलो सुखाने। चलो चलो। अबे यार चिपक जाना, आपके थूक लगा के चिपकाऊ? चिपक जा भाई, तेरी ऐसी। चिपक गया फाइनली। अब तुम दोनों जल्दी से जाओ वहां और उपले रखे हैं, लेके आओ। जेठ जी बस ये सूख जाए अच्छे से, गांव का देसी खाना बनाऊंगी सबके लिए। कहां मर गई हैं दोनों? अरे जल्दी आओ। अरे अरे मम्मी आपके कूद के आए, देखियो यार ये भी ना पता नहीं क्या ही ड्रामा करती। एक काम ठीक से नहीं होता नलायकों से, बदतमीजी। क्या बात है बहू, तुम्हें तो आम तोड़ने आते हैं। अरे जेठ जी आपको नहीं पता, बचपन में मैं इतने आम तोड़ती थी, इतने आम तोड़ती थी कि सब बोलते थे कि मैं आम की रानी और आम मेरा राजा। क्या बात है बहू। अरे बच्चे भी आ गए, आओ बच्चों। अरे आओ आओ, मैं तुम्हें आम तोड़ना सिखाती हूँ। अच्छा? देखो मैंने कितने सारे आम तोड़े, चलो तुम भी तोड़ो। हाँ ठीक है। वो पत्थर उड़ाओ मासी और मारो इस पे। उठा लो सारी उठा लो। No lady, no scope.
No scope. हे भगवान, अब तो मैं थक गई हूँ बुरी तरह से। अच्छे से जल्दी नहा लेती हूँ, घर भी तो वापस जाना है, कहीं मेरी वजह से लेट ना हो जाए सब। फटाफट नहा लेती हूँ। चलो जेठ जी, मुझे तो बहुत मजा आया गांव में, मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। हाँ ताऊ जी, मुझे यहाँ के आम तो इतने ज्यादा स्वादिष्ट लगे, इतने ज्यादा स्वादिष्ट लगे, मैं तो शहर के आम भूल गई। बेटा अगली बार आओगे ना तो बड़े बड़े अमरूद, बड़े बड़े तरबूज खिलाऊंगा। ठीक है ताऊ जी। चलो जेठ जी, अब हम चलते हैं। प्रणाम। जी करो बेटा। ताऊ जी। चाची जी नमस्ते। जीते रहो, जीते रहो। चलो हम चलते हैं। नमस्ते ताऊ जी। और मेरे शैतान भाई हो। ताऊ जी देखो, अब मैं जा रही हूँ, पर मेरे बिना ना आप लोग आम मत खाना, समझ गए हो? अगली बार जरूर आऊंगी, चिंता मत करना। अच्छा, इतनी देर से मम्मी और बहन को ढूंढ रही हूँ, मिली नहीं रहे। देख रहा कितनी रात होगी, फिर हम लेट हो जाएंगे। किधर है वो? तू यहाँ? तेरी माँ और बहन तो चले गए। क्या, ये कब हुआ? ऐसे कैसे चले गए? अरे कोई ना, हमारी तो बहन है, हम इसकी ख्याल रख लेंगे। और तो और, गांव की भूतों की कहानियां भी तो सुनाएंगे। हे गाइस, कैसे आप सब? बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैंने सुना है कि अपनी नाक से दूसरे का सर तोड़ देते, इसलिए दूर हो गए। मैं अपील दे रही हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और मेरा चैनल अदिति शर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना। ये इंतज़ार हुआ कि कब मुझे मारे, और मैं जल्दी हूँ कि अपील जल्दी खत्म हो। वीडियो को एंड तक देखना, मिलती जल्दी एक प्यारी लवली सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू, जय बजरंगबली।